वैसे दोस्तों ये जो जुलाई का महीना गया है इसमें आपने काफी सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन देखे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगस्त के महीने में कौन से स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे जिनके लिए आपने वेट करना चाहिए। यह सच है कि जुलाई की अपेक्षा अगस्त के महीने में कम फोन लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए। तो लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमारे मंथ के लास्ट में जो रहती है टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि आपके नेक्स्ट मंथ में लॉन्च होते हैं वो ओवरऑल बिल्कुल 100% सही जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो बनाई थी जून के महीने में कौन से जुलाई के महीने में लॉन्च होंगे, वो सारे ही सही थे बिल्कुल। अब गेस कर रहे हैं कि कौन से आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो फोन आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा Huawei का Y9 Prime देखने को मिलेगा। इसमें आपको पॉपअप वाला कैमरा देखने को मिल रहा है। ये जो फोन है Huawei की तरफ से पहला ऐसा फोन होने वाला है जिसमें आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा। इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 13,000 से 14,000 रुपए के बीच में रहने वाली है और ये अगस्त के महीने में आपको 1 या 2 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये फोन आपको Huawei की तरफ से देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस Huawei को लेकर के तो आप जाकर के 1 या 2 अगस्त को परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों Vivo अपना एक नई सीरीज जो कि है उसकी वो लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी, जिसका पहला जो स्मार्टफोन होगा वो होगा Vivo S1। ये जो स्मार्टफोन है आपको देखने को मिलेगा 7 अगस्त को। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 7 अगस्त को लॉन्च हो रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ आ रहा है। वैसे हमने इस पर एक डिटेल्स में वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं Vivo के S1 को लेकर के तो जाकर के एक बार वीडियो को देख लें, हमने उसमें पूरी डिटेल्स में बताया है कि इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं इसकी जो प्राइस है वो क्लियर हुई है, वो 16,000 से 17,000 रुपए क्लियर हुई है। अब देखते हैं इंडिया में आएगा तो कितना धमाल मचाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि पता चल सके उनको कि अगस्त के महीने में कौन से स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं। क्या पता कोई वो अभी फोन लेने वाले हो और कुछ दिन रुक जाए तो उनके लिए अगस्त में कोई बेटर फोन मिल जाए तो वो वाला फोन खरीद ले। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों अभी एक फोन आया था ओप्पो की तरफ से, ओप्पो रेनो 10X Zoom वाला, काफी ज्यादा अच्छे कैमरे देखने को मिले थे। उसी का एक और छोटा वर्जन आ रहा है ओप्पो रेनो 2। इसमें आपको वही पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। अगर ये फोन 13,000 से लेकर 17,000 रुपए के बीच में आता है तो ये फोन काफी ज्यादा कमाल मचाने वाला है। देखना ये है कि ये कब लॉन्च होगा, क्योंकि ये इतना पता है कि अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी डेट को आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर अगस्त में। और दोस्तों एक फ्लैगशिप फोन लॉन्च होने वाला है जो आपको मैं बता दूं 8 अगस्त को होने वाला है। जी हां फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं सैमसंग के नोट 10 के बारे में। दो फोन देखने को मिलेंगे, सैमसंग का नोट 10 होगा या 10 प्लस होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन ये फ्लैगशिप लेवल के फोन है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फोन बताया जा रहा है कि 5G के सपोर्ट के साथ आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे आपको इसमें लार्ज डिस्प्ले देखने को मिलेगी, एक में 6.3 इंच की मिलेगी, एक में 6.8 इंच की मिलेगी, वही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के 855 प्रोसेसर के साथ आएंगे। तो ये फोन काफी ज्यादा कमाल होने वाला है, लेकिन ये सैमसंग की तरफ से फ्लैगशिप फोन है, मतलब क्या है इनकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो सैमसंग के फोन खरीदते हैं फ्लैगशिप वाले, अगर आप भी उनमें से एक है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों इसका तो वास्तविक मैं कहना चाहूंगा कि आपने वेट करना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, एक फोन आ रहा है ऑनर का 9X। ऑनर की तरफ से भी एक ऐसा फोन पहला है जिसमें आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, 6.59 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी इसमें आपको, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको क्रीम का 810 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और ये प्रोसेसर मैं आपको बता दूं कि स्नैपड्रैगन के 730 प्रोसेसर से काफी ज्यादा हैवी है, और इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 13,000 से लेकर 17,000 रुपए के बीच में रहने वाली है। वैसे क्योंकि मैं आपको इसका बेस वेरिएंट बताऊं जो 4GB 64GB वाला, उसकी जो प्राइस है वो और मात्र 13,000 रुपए रखी गई है। इतने ही प्राइस में अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जबरदस्त टक्कर देने वाला है सारे फोन को।
वैसे मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि आपने इस फोन के लिए जरूर से वेट करना चाहिए। अगर आप इस फोन के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैं आपको बताया Honor 9X और 9X Pro के बारे में। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। पूरी डिटेल्स में मैंने आपको बताया ये कब लॉन्च होगा और ये कितने प्राइस में देखने को मिलेगा और इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। वैसे मैं आपको अभी के लिए बता दूं कि इसकी जो प्राइस है वो क्लियर, इसकी जो लॉन्च डेट है वो क्लियर नहीं हुए है। ये जो बताया जा रहा है वो 15 से लेकर के 25 अगस्त के बीच में लॉन्च हो जाएगा। काफी कमाल फोन है, जब भी आएगा तो पता चली जाए। और दोस्तों आपको पता है कि सारी कंपनियां फोन लेकर के आती है तो MI तो एक ऐसी कंपनी है जो लेकर के ही आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, MI का A3 आने वाला है, MI A3 जो कि ग्लोबली लॉन्च हुआ था, वो CC9 करके लॉन्च हुआ था। इंडिया में आपको हो सकता है ये MI A3 के नाम से देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको वही सेम सारी चीजें मिलती है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 665 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6.59 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वैसे हमने इस पर एक डिटेल्स में वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो जाकर के एक बार उस वीडियो को देख लें, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको एक बता दूं कि ये लॉन्च जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं अपने अंदाजे के हिसाब से आपको इंडिया में कब देखने को मिलेगा, वो 15 से 20 अगस्त के बीच में देखने को मिल जाएगा। जी हां फ्रेंड्स, ऊपर नीचे थोड़ा सा चल जाएगा लेकिन ये कन्फर्म होगा अगस्त के महीने में ही लॉन्च। और दोस्तों आपको बताया कि जैसे ही MI का नाम आता है तो उसका जो कजन है जिसे आप कह सकते हो रियलमी जरूर से याद आ जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, रियलमी ने क्लियर बोला है, माधव सेठ जो इनके फाउंडर, उन्होंने बोला है कि वो एक अपना नया स्मार्टफोन लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है Realme 5। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी ट्वीट किया है कि ये पहला ऐसा फोन होगा इंडिया में जो 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब इसमें आपको 4 कैमरे देखने को मिलेंगे, तो ये फोन काफी ज्यादा कमाल होने वाला है। ये कन्फर्म है, ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और वो भी अगस्त के महीने में। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कितने प्राइस में देखने को मिलेगा और ये कौन सी डेट को देखने को मिलेगा। वैसे आपने इस फोन का वेट करना चाहिए क्योंकि रियलमी इस टाइम पर बजट में काफी ज्यादा अच्छे अच्छे फोन लेकर के आता है। वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि इतने सारे फोन लॉन्च होते हैं, सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसीलिए हमें ये वीडियो बनानी पड़ती है कि ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर तरीके से दूर हो जाए। वैसे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें कंज्यूमर का तो फायदा है ही, क्योंकि कंपनी आपस में कम्पीट कर रही है और हम लोगों के लिए फायदा हो रहा है। वैसे आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और ये फोन थे जो आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेंगे। वैसे आप किस फोन की साइट जाना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड टाइम।